नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर में सुर्खी, विधानसभा चुनाव को लेकर जारी चुनावी गतिविधियों के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भाजपा जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार जैसी नगर में 14 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया के नाम से ली गई थी। अनुमति के विरुद्ध आयोजन दूसरे स्थान पर किया गया, जिसमें कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ था। निर्वाचन क्षेत्र में तैनात FST टीम द्वारा इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया के विरुद्ध गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता सभी थानों में लगी हुई है। बीते दिनों राहतगढ़ में एक वियर हाउस में भाजपा द्वारा एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन और COVID-19 के नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया था, जिस पर FST टीम द्वारा राहतगढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं जैसी नगर में भाजपा द्वारा एक राजनीतिक आयोजन किया गया था, जिसमें भी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, जिस पर एक अन्य व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सभी थाना क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है। इनके द्वारा प्रतिदिन जितने भी राजनीतिक प्रचार के कार्यक्रम है, इनकी वीडियोग्राफी की जाती है। उसमें अगर कहीं भी आदर्श आचरण संहिता या कोविड के जो निर्देश हैं उनका उल्लंघन होता है, तो उसके संबंध में पुलिस थानों को रिपोर्ट की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना राहतगढ़ अंतर्गत जो है कोई एक वेयर हाउस में कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने संबंधी एक रिपोर्ट हुई है, जिसमें कि जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया रिपोर्ट की गई। इसके अलावा एक थाना सिहोरा क्षेत्र, इसमें थाना जैसी नगर क्षेत्र में एक पंजीकृत हुआ है, जिसमें एसपी द्वारा जो है कार्यक्रम की अनुमति जनपद पंचायत मैदान में ली गई थी, लेकिन वो कार्यक्रम किसी अन्य जगह पर किया गया है। इस मामले में किस ये जो जैसी नगर वाला मामला है, इसमें भी जो आयोजक थे संभवतः भारतीय जनता पार्टी संबंधित है, उनके